अगर आपको देखे तो डेट वाला देखे ना, या तो कोऑर्डिनेशन में जाएगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पे ना इंटरनेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इंटरनेट यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं आता है। सो यहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एंड इसलिए ब्लॉग्स सेम डे अपलोड नहीं हो रहे। तो ब्लॉग जब हो गए तो मैं पॉसिबल है, कार्टून होते हुए सब सारे ब्लॉग वगैरह अपलोड हो गए। लाइक यहाँ के लोग तो अभी मना कर रहे कि हमारे पास नोमा आ जाए, तो मना करके नोमा लेके मत जाओ क्योंकि आगे पत्ते वगैरह, बट स्टिल लेट्स सी कि हम लोग क्या करते हैं। वो अपनी कैब ज़्यादा प्रेफर करवा रहे, तो देखते हैं यार क्या करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर है। यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, दिस इज द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग। तो यहाँ से वो देख सकते हो पहाड़ वगैरह, ठीक है। एंड मैं आपको दिखाऊँ तो हम लोग उस वाले पहाड़ से आए, जो वो वाला पहाड़ था वहाँ से आए हैं हम लोग उस वाले पहाड़ से। एंड बाकी शायद हम लोग इस वाले पहाड़ पे जाना है, आई एम नॉट रियली श्योर, बट यहाँ का ऐसे पूरा सीन है। और वो खड़ी हुई है अपनी इनोवा, उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है, कल उससे स्मेल आने लगी थी, मेरे नए टायर्स है वो घिसक गए पूरे, तो उनकी स्मेल आई है। एंड बाकी आप देख सकते हो नदी वगैरह बह रही है। एंड यहाँ पे देखो जो माउंटेन वगैरह स्लाइड होते हैं ना, ये देखो जो खाली जगह है ये वही है, तो यहीं पे सारे माउंटेन्स वगैरह स्लाइड होते, तो ये पूरी वही खाली जगह है, ठीक है। एंड यहाँ पे पेट्रोल पम्प ही सीधा मसूरी पे ही है, ठीक है, मंसूरी पे, जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। एंड वहाँ पे ऐसे एकदम स्ट्रीट शॉट। गाइस राइट नाउ इट्स टाइम टू चेक आउट फ्रॉम दिस होटल, एंड अभी बज रहा है 9:44 अगर आपको दिख रहा हो। सो अभी बस यहाँ से चेकआउट करते हैं। एंड बाकी यार यहाँ का पूरा सीन भी देखो, पीछे पूरी पहाड़ियाँ है, जैसे मैंने आपको ऊपर से दिखाया था पूरा वही सेम सीन है। यहाँ पे इनोवा आ गई है, एंड अभी इनोवा से ही जा रहे हैं, वही फाइनल है, क्योंकि अपनी कार से जाएगी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, अगर कोई दिक्कत भी होगी तो वी विल लाइक रिटर्न कर जाएंगे यहाँ से। सो यहाँ से अभी बस चेकआउट करते हैं। भाई यहाँ का सीन देखो कितना बढ़िया है, बाकी ये होटल भी भाई खुद पे ठीक है भाई, 500 के चार्जेस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया होटल है। सो यार लेट्स गो। एक बार रास्ते देखो, मतलब वहाँ से देख रहे हो जहाँ से बुलेरो दिख रही होगी, वो वहाँ से हम लोग उतर के आ रहे हैं। एंड आगे सीन्स लाइक एंड डेड, बट यहाँ से चढ़ना है लाइक वो वाला रास्ता है, ठीक है, वहाँ से सीधा जाके देखो पूरा पत्थर पत्थर है, ब्रेड वगैरह खा रहे हैं क्योंकि कुछ खाने को भी नहीं है यहाँ पर। बाइक करके कितने पीछे जा रहा है, ये देखो ये भाई साहब इनोवा से आज बहुत गंदी ऑफ रोडिंग है, वो भाई बहुत बार लड़ भी गई है। तो अगर आप ला भी रहे हो तो टाइप 3 वाली इनोवा लाना, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह उसका बम्पर ज़्यादा बड़ा थी, वो ऑफ रोडर वाली है, टाइप 3 इनोवा लाना, टाइप 4 नहीं। ये हम आ चुके हैं पहाड़ों की वादियों में, गाड़ी हमारी आगे गई है फंस। ये उदित भैया रास्ता खोज रहे, रास्ता है नहीं, रास्ता आगे पूरा लैंडस्लाइड से गया है, टूट बन गया भाई, पूरी नदी सूखी है, वो देखो आगे रास्ता पूरा टूटा है, रास्ता प्रॉपर है, जान जाने जाना था मुसियारी पहुंच गए कहीं और। ये देखो गाड़ी निकल रही अपनी, पूरा रास्ता यहाँ से टूटा है, वो ऊपर वाला जो रास्ता है वहाँ जाना है, और रास्ता यहाँ से पूरा टूटा है, अब बताओ क्या करें। अभी लोग भाग गए, देखो अपनी गाड़ी यार ये ऊपर की तरफ जा, रास्ता है ऊपर की तरफ जाना है, फटी पड़ी है। ये देखो यहाँ पे अभी 15 मिनट हो चुके हैं, हम लोग टहल रहे हैं और सांस फूल रही है, ये देखो साथ में पानी बह रहा है, बुरी हालत है। गाड़ी वो खड़ी है, वहाँ से रास्ता बनाया गया है, पूरा पानी पानी हो चुका है, चलो तैर ले। बताओ कैसा लगा इतनी चढ़ाई? बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, मैं इतना खुश हूँ इस चढ़ाई को पूरा करके, लेकिन एक तरफ डर भी लग रहा है कि बच्चों को उनके घर तक भी पहुँचाना है, जान का पूरा रिस्क है, लेकिन फिर भी मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ, पूरी सड़क पर अपना नियंत्रण रख रहा हूँ, और नियंत्रण रखने के बाद मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सबको सही सलामत घर पहुँचाना, जो कि मैं पूरी तरह पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। ज्ञान सिंह के सुसु छूट रहा है, यहाँ का रास्ता बहुत खराब है भाई, पीछे से भी दिखा देंगे, पीछे से इधर खिड़कियों में दिखा देंगे, व्यू देखिए आप, बड़ा बढ़िया है, पीछे सब दिखेगा, पीछे बैठने दो ना, बैठने दो। तो अभी रास्ता बहुत खराब है, बिल्कुल मटकोट से मुंशियारी बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे ऐसा लग रहा है, 45 से 90 के बीच चल रहा है पूरा रोड, बुरी हालत है, लेकिन पहुंच जाएंगे। ये है सीन। क्या टाइम हो रहा है?
टाइम 10-11 बजने वाले हैं। एक घंटा हो गया है। 12 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हाँ, सबसे अच्छी बात फोटो खींच दो भैया, कौवा फोटो।